तो हेलो गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। अभी हमारे सामने है डेल्टा की V6 और इस बाइक को देख के आपको लग ही रहा होगा कि कहीं ये हीरो की मैवरिक तो नहीं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन और पैटर्न है लगभग मैवरिक जैसा ही है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर देना। गाड़ी के फ्रंट सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको छोटा सा विंडशील्ड, मतलब वाइजर कह सकते हैं, जिस पे कंपनी का नाम है JH। LED में आपको इसके इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि नॉन फ्लेक्सिबल है। इसका जो इग्निशन है वो ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसका जो हेडलैम्प है वो भी यहाँ पे लगभग मैवरिक जैसा ही आपको दिया जा रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा सा आपको सेम मिलता है। लो बीम हाई बीम आपको LED में मिल रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स भी आपको LED में दिए जा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। हेडलैम्प कर देते हैं ऑफ, तो यहाँ पे मिलता है आपको DRLs नीचे और ऊपर। आपको दोनों में यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं जो कि LED बल्ब के साथ ही दिए जा रहे हैं। और इसके अंदर मिलता है आपको USD फोक अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशन, गोल्डन कलर के आपको सस्पेंशन मिल रहे हैं। फ्रंट में मिलता है आपको मड गार्ड प्लास्टिक बॉडी में। और यहाँ पे मिल रही है आपको 320 mm तक की डिस्प्ले, सिंगल डिस्प्ले मिल रही है। डिस्प्ले का पैटर्न देख सकते हो आप किस तरह का है। फ्रंट में मिलता है आपको 110 70 17 का ट्यूबलेस टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। 110 mm की चौड़ाई मिल रही है आपको इसके फ्रंट वाले टायर में। साइड फेयरिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फुल फाइबर बॉडी में तो आपको बाइक मिलती ही, आप चाहे पेट्रोल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आपको दोनों में ही फाइबर बॉडी भर भर के मिलती है। पेट्रोल में भी आपको टैंक काउल साइड पैनल वगैरह सब फाइबर में ही मिलता है। तो यहाँ पे डुअल टोन कलर मेंशन किया है, यहाँ पे व्हाइट कलर प्लस यहाँ पे ब्लैक। और ये जो है ये रबड़ का भी इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। साइड में आपको डेल्टा V6 का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। साइड पैनल जो देख रहे हो आप ब्लैक कलर का, थोड़े से टेक्सचर मिलते हैं। इसके अंदर आपकी बैटरी जो है वो इंक्लूड है। यहाँ पे मिलता है आपको साइड स्टैंड, साइड स्टैंड पे इंजन गार्ड का सेंसर मिल रहा है, जैसे कि पेट्रोल वाली बाइक में मिलता है वैसे ही अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये ऑप्शन दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। साइड स्टैंड जब तक लगा रहेगा आपका जो व्हीकल है वो स्टार्ट नहीं होगा, ना ही आगे जाएगा। इग्निशन ऑन हो जाएगा लेकिन आपका जो व्हीकल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। फुटरेस आपको फोल्डेबल मिल रहे हैं, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है। साइड पैनल यहाँ पे ग्लॉस वाइट, मतलब वाइट में ही दिया गया है। यहाँ पे थोड़े से टेक्सचर मिलते हैं, पैनल के अंदर ब्लैक आउट रखा गया है ये पार्ट। सीट जो है आपको स्प्लिट में मिल रही है, कुशंस देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको कुशंस मिल जाते हैं सीट के अंदर। पैसेंजर वाली सीट भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल मिलती है, कंफर्टेबल मिलती है। टेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मिलती है आपको LED में इसकी टेल लाइट। और इसके जो इंडिकेटर हैं वो मिलते हैं आपको यहाँ पे LED में, आपको इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट इंस्टॉल होगी। नीचे की तरफ लाइट मिलती है जो नंबर प्लेट पे रिफ्लेक्ट करती है। पीछे वाले टायर सेक्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छी चौड़ाई मिल जाती है आपको पीछे में, लगभग आपको मिल जाती है, टायर सेक्शन दिखा दूँ मैं तो, यहाँ पे मिलता है आपको 140 mm का टायर, 140 mm की चौड़ाई मिलती है इसके पीछे वाले टायर में। और यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय मिलते हैं। यहाँ पे आपकी मोटर इंक्लूड है। पीछे मिलती है आपको 260 के आसपास तक की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। रियर में पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं रेड कलर के। और यहाँ पे आपका टायर हैगर मिलता है प्लास्टिक बॉडी में। यहाँ पे टायर फेंडर मिल जाता है आपको प्लास्टिक बॉडी में। टोटल व्हाइट कलर ऐड किया है इस बाइक के अंदर। फ्रंट में आपको गोल्डन कलर की फिनिशिंग मिल जाती है। तो गाड़ी का जो डिज़ाइन और पैटर्न है वो लगभग हीरो की मैवरिक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। व्हाइट कलर में ही उसका जो न्यू मॉडल आया था लगभग वैसी ही लग रही है देखने में। इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलती है, मोटर की बात कर लेते हैं पहले, 3000 वॉट की तो आपको मोटर मिल रही है इस बाइक के अंदर। इसकी बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है वो 3 से 4 घंटे है, मतलब मोटा मोटा आप 4 घंटे ले सकते हो कि 4 घंटे में ये जो बाइक है फुल चार्ज हो जाएगी और 100 से 120 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से दे देगी। मोड्स भी हैं इसमें, तो मोड्स के अकॉर्डिंग आप लो स्पीड में चलाते हो, मतलब वही नॉर्मल सी स्पीड रखोगे तो ये कम से कम 120 की रेंज आपको आराम से दे देगी। और इसके अंदर आपको टॉप स्पीड जो मिल रही है 75 to 80 किलोमीटर की आपको टॉप स्पीड मिलती है इस बाइक के अंदर। तो यहाँ पे भी 80 किलोमीटर की आपको यहाँ पे टॉप स्पीड मिल जाती है, 120 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। बैटरी इसमें आपको मिलती है 3.6 किलोवाट की और 3000 वॉट की आपको मोटर दी जा रही है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है नीचे से देख सकते हो। तो गाड़ी का जो लुक है लगभग मेरे को मैवरिक जैसा ही लग रहा है। कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। गाड़ी का डिज़ाइन और पैटर्न आपको कैसा लगा वो भी बता देना। मीटर कंसोल दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका मीटर कंसोल नॉर्मल सा ही है। एक बार इसकी की मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी हैवी की मिलती है जो कि वेब की तो नहीं है, नॉर्मल सी की है। प्लस एक मिलती है आपको रिमोट की जिसमें आपको लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे पार्किंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपकी बाइक जो है पार्किंग में खड़ी रहेगी तो आपको बटन प्रेस करना है, आपकी जो बाइक है वो अलार्म करेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बाइक है वो कहाँ खड़ी है। क्योंकि पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बाइक खड़ी करके भूल जाते हैं अक्सर, हम भी भूल जाते हैं भाई, सभी भूल जाते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो यहाँ पे मीटर कंसोल देखेंगे छोटा सा मिलता है आपको। यहाँ पे आपके जो गियर हैं वो मेंशन करते हैं। हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए आपको जो स्विच मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इंजन किल स्विच, नीचे आपको सेल्फ, यहाँ पे लो बीम हाई बीम, यहाँ पे इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच। तो यहाँ पे जो L है अभी देख सकते हो फर्स्ट मोड पे, ये जो बाइक है यहाँ पे चलेगी आपकी 45 to 50 चलेगी, 45 लगा लो आपकी जो 45 स्पीड रहने वाली है यहाँ पे फर्स्ट मोड पे। सेकंड पे करोगे तो
तो यहाँ पे 55 टू 60 रहने वाली है, और अगर आप थर्ड पे करोगे जो कि टॉप स्पीड हो जाती है आपकी, 75 टू 80 की आपको स्पीड मिलेगी थर्ड मोड पे। तो मोड के हिसाब से आप इसके स्पीड को भी चेकआउट कर सकते हो, गाड़ी का जो लुक है वो कैसा लग रहा है। हैव अ नाइस बाइक, बहुत अच्छी बाइक है, बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, कॉन्सेप्ट है, और अच्छी बात यह है कि मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया बाइक है, और इनके पास काफ़ी अच्छे वेरियंट्स भी खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे अल्फा खड़ा है R3, उधर भी एक और व्हीकल खड़ा है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं, तो सब जो है इलेक्ट्रिक बाइक ही है और अच्छी भी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।